प्रधानमंत्री के नाम अपनी 12.5 बीघा जमीन करने वाली वृद्धा का संज्ञान आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया है। मुख्यमंत्री ने मैनपुरी के डीएम और सीडीओ को निर्देश दिए, जिसके बाद दोनों ही अधिकारी वृद्धा से मिले हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपनी 12.5 बीघा जमीन देने की बात कहकर चर्चाओं में आई थाना किसली क्षेत्र के ग्राम चेतायन की रहने वाली बिट्टन देवी को मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी IAS ईशा प्रिया को वृद्धा से मिलने के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों का पालन करते हुए शनिवार के दिन डीएम और सीडीओ वृद्धा के गांव पहुंचे। यहां डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने वृद्धा बिट्टन देवी से बात की और उनका हाल जाना। परिजनों को हिदायत दी कि वह वृद्ध माँ की उचित देखभाल करें, उन्हें किसी भी तरीके की कोई असुविधा न होने पाए। वृद्धा ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री से किसान सम्मान के रूप में 2000 रुपए मिले हैं, पेंशन भी मिल रही है। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी जमीन प्रधानमंत्री को देने की बात कह दी थी। वृद्धा बिट्टन देवी ने जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह और मुख्य विकास अधिकारी ईशा प्रिया को बताया है कि उनके नाम 12.5 बीघा जमीन है। जमीन के 3 हिस्से उन्होंने अपने पुत्रों को दे दिए हैं और 4वां हिस्सा उन्होंने अपने लिए बना कर रखा है और पटाई पर उसे उठा भी दिया है। यहां दोनों ही अधिकारियों की ओर से वृद्धा को पूरी तरीके से संतुष्ट किया गया, साथ ही वृद्धा के बेटों से भी अपनी मां का ख्याल रखने की बात कही गई।